दिस इज 18 18वां साल है ये आइडिया। 18 साल पहले जब जस्मिन शाह को आया, उस दिन से आज तक अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वॉट एवर यू से एक चीज बहुत बुरी हो रही है यहाँ। इतने बड़े गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने पैसे वाले होने के बावजूद जास्मिन शाह को आज तक एक रुपये की स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। वो आदमी सिर्फ अपनी जेब से पैसा डाल के ये अवार्ड कर रहा है। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर आई एम द पायोनियर कमिटी मेंबर ऑफ दिस। आज तक किसी ने एक रुपया दिया नहीं। हेड्स ऑफ टू दिस मैन, कर रहा है गुजरातियों के लिए। इस अवार्ड फंक्शन में नरेंद्र मोदी जी भी चीफ गेस्ट बन के आ चुके हैं, मतलब टॉप लेवल के सारे आ चुके हैं। बट पता नहीं क्यों कोई गुजराती आगे नहीं आ रहा है कोई भी स्पॉन्सरशिप के लिए। अदरवाइज गुजरातियों की एक ही है संस्था है जो कदर कर रही है गुजराती आर्टिस्टों की, बाकी कोई नहीं है। गुजरात में होता है सिर्फ फिल्म के लिए होता है। गुजरात गवर्नमेंट का भी अवार्ड आता है, बट दैट इज़ ओनली फॉर द फिल्म। गुजराती टीवी और गुजराती थिएटर के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। गुजराती में टीवी इज़ द लास्ट रिसोर्स। बहुत कम सीरियलें बनती है, बहुत कम सीरियलें देखी जाती है। हाईएस्ट व्यूअरशिप अगर गुजराती में किसी की है तो गुजराती थिएटर की है, फिल्मों की भी नहीं है। जितना टर्नओवर, जितना बिजनेस गुजराती थिएटर करता है वर्ल्ड ओवर, उतनी फिल्में भी नहीं चलती और नहीं होता है। फिर भी गुजराती थिएटर को सेकेंड ग्रेड नहीं, थर्ड ग्रेड सिटीजनशिप मिलती है इवन फ्रॉम द गवर्नमेंट। दैट्स अ ब्लडी बिग ट्रेजेडी ऑफ गुजराती थिएटर आर्टिस्ट।